बल है फिर चाहे आप कॉलेज गोइंग हो या फिर यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस

दिस इज द ड्रेस ये एक पूरी कंप्लीट वन पीस ड्रेस है और इसका जो नेक है ना ये ऐसे आगे ऐसे फ्रंट में पूरा वी नेक है तो इस नेक के पैटर्न की वजह से ही ना मतलब इस ड्रेस का जो ओवरऑल स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का आता है और यहाँ पर ना यहाँ पर ऐसे पूरा बेल्ट फॉर्म में ये पूरा वेस्ट पे डिजाइन दिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आ रही है वैसे ये वाली जो ड्रेस है ना मतलब मैं ऐसी टाइप की ड्रेस ना मतलब काफी टाइम से सीरियसली सर्च कर रही थी क्योंकि ना विंटर्स आते ही ना ड्रेसेस पहनना बहुत ज्यादा मिस करते हैं सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो कुछ मुझे वुलन में ड्रेस मिल जाए या फिर थोड़ी सी वॉर्म हो एंड देन आई फाउंड दिस तो इसका वेलवेट का फैब्रिक है तो ये वॉम तो है ही और पूरी फुल स्लीवस की है तो जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने बस इसके नीचे ना एक हाई नेक पहना है जस्ट टू कवर अप द नेक हाई नेक पहना है और बस मेरी विंटर ड्रेस बन गई है लॉन्ग बूट के साथ इसको कैरी करो क्योंकि जो इसकी लेंथ भी आई है ना मतलब इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ना वो एकदम परफेक्ट है सीरियसली मतलब ना मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मैक्सी लेंथ और लंबी ना हो कि बिल्कुल फ्लोर पे टच हो जस्ट अबव द फीट आए और बिलो द नीज आए तो इसकी लेंथ बिल्कुल वैसी मुझे मिल गई एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस क्योंकि इतना ज्यादा वेलवेट है तो सॉफ्ट फैब्रिक तो ये होगा ही होगा और मतलब इसका क्वालिटी uh, वाइज भी मतलब इट्स वेरी वेरी नाइस इसका जो प्राइस है ना ये मुझे पड़ी है रुपीज थ्री नाइनटी नाइन की आईव ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन और इस प्राइस में ये बहुत सही मिल गई है यार इसमें ना वैसे एक अदर कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड दैट इज़ ब्लू बट पता नहीं क्यों मुझे ना रेड मरून और ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं वैसे ब्लू भी अच्छा लग रहा था ब्लू भी ब्लू जो कलर था ना वो भी ब्राइट ही था बट आई वॉन्टेड टू हैव दिस मरून कलर इन माई वॉड्रोब सो ये ड्रेस मैंने ले ली बट इसमें ना एक इशू है जो इनके वैसे तो इनके जो साइजेस हैं वो अवेलेबल है फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज और मैंने स्मॉल साइज़ ही ऑर्डर करा एक्स्ट्रा स्मॉल तो खैर था ही नहीं मैंने स्मॉल साइज ही ऑर्डर करा है बट इसका जो स्मॉल साइज भी था ना वो भी लाइक थर्टी सिक्स चेस्ट एरिया से स्टार्ट है इनका जो है नॉर्मली क्या होता है स्मॉल फ्राम थर्टी फोर बट इनका थर्टी सिक्स से स्टार्ट था बट कोई नहीं मतलब मुझे आई तो ये लूज थी बट आई गॉट इट ऑल्टर्ड बट आई रियली लाइक दिस ड्रेस सो अगर आप भी विंटर्स में जो है ड्रेसेस पहनना मिस करते हो और कुछ एक ऐसा आउटफिट ढूंढ रहे हो एक वन पीस टाइप का जो आप आसानी से यू नो फटाफट से पहन पाओ वैसे पार्टीज में भी पहन सकते हैं इस ड्रेस को ना अच्छी लगेगी क्लच all के साथ कैरी कर लो बस क्योंकि फैब्रिक ऐसा है ना वेलवेट पाला थोड़ा सा शाइनी होता है हमेशा तो विंटर्स में भी पहन सकते हैं पार्टी में भी पहन सकते हैं मतलब कहीं भी इसको ईजीली कैरी करो सो इफ यू आर ऑल्सो मिसिंग ड्रेसेज दिस विंटर दैन यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गर्व फॉर दिस आउटफिट

सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि मेरा क्रॉप कार्डिगन कैसा है दिस इज द वन दिस इज इन वाइट कलर और वी नेक है इसका और यहाँ पे बटन क्लोजर है आप कार्डिगन है तो ठीक है बटन क्लोजर तो होगा ही होगा इसका बट सीरियसली uh, इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत सही है ये ना रिब्ड पैटर्न में मतलब जो है रिब्ड मतलब जब जो ये ऐसे ये यहाँ लाइंस आपको दिख रही है ना इस पे पैटर्न की जो ये लाइंस है इसको रिब्ड पैटर्न बोलते हैं तो रिब्ड पैटर्न में है एक्सट्रीमली वॉर्म फैब्रिक है इसका और जो मैंने इसका ये साइज जो मैंने इसका ऑर्डर कराया ना दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज साइज

है। और दूसरा वे में मैंने इसको एक और वे में भी स्टाइल किया है सो so उसके लिए मैंने क्या किया है? मैंने ना अपनी एक फ्लोई सी प्लाजो पैंट्स हैं उन उसके साथ इस स्वेटर को स्टाइल कर रहे तो यार ये उसके साथ भी बहुत सही लग रहा है क्योंकि नीचे फ्लोई पैंट है ऊपर जो है फिटेड सा क्रॉप कार्डिगन है सो दैट इज आल्सो यू नो क्रिएटिंग अ होल बैलेंस्ड लुक तो उसके साथ भी ये बहुत सुंदर लग रहा है सो so मतलब ये तो बहुत सही सही स्वेटर है वैसे मैंने वाइट ऑर्डर करा है इसमें ना और भी बहुत क्यूट क्यूट कलर्स जो हैं वो अवेलेबल थे मतलब एक पिंक था मुझे याद है एक मस्टर्ड कलर था पीच कलर भी पीच भी बहुत सुंदर लग रहा था बट एज़ यूजल मुझे तो वाइट सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने वाइट ऑर्डर करा और वैसे ना इसका जो फैब्रिक है ना ये थोड़ा ऐसे फरी टाइप का होता है ना जो वो फरी टाइप का था तो जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी ना तो मैंने इसके रिव्यूज़ में पढ़ा था काफ़ी सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि इसकी जो फर है वो निकल कपड़ों पर आ जाती है कपड़ों कपड़ो, <laughs> कपड़ों पर आ जाती है और लग जाती है बट सीरियसली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं तो इसको काफी सारी ड्रेसेस के साथ पहन लिया है अपनी और ऐसा कोई नहीं है मतलब इसका जो फ़र है वो निकल नहीं रहा है देखो मेरे हाथ पे भी नहीं आ रहा है ये अभी ना तो अच्छा मतलब अच्छी गुड क्वालिटी का फैब्रिक है और इसका जो प्राइस है वैसे अभी मिंत्रा पे जो इसका प्राइस दिखा रहा है ना वो एट सिक्सटी नाइन रुपीज़ दिखा रहा है बट जब मैंने इसको ऑर्डर करा था ना आई ऑर्डर फॉर वन थाउजेंड रुपीज़ सो मतलब ऐसे ना अप डाउन थोड़ा सा मतलब हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ का जो वेरिएशन है ना प्राइस में वो चलता रहता है एंड आई थिंक बिकॉज मे बी कलर की वजह से भी प्राइस डिफरेंस आ जाता है कि वाइट कलर का कुछ अलग प्राइस है पीच कलर का कुछ अलग प्राइस है बट ठीक है तो डिस्काउंट रेट जो है वो मिंत्रा पे चल रहा है मैंने देखा एट सिक्सटी नाइन का पड़ रहा है बट फिर भी मैंने वन थाउजेंड कमाया बट देन ऑल्सो आई लव दिस स्वेटर सो so, गर्ल्स अगर आप भी ना कुछ डिफरेंट सा विंटर आउटफिट्स क्रिएट करना चाहते हो ना देन तो मतलब आंख बंद करके यू शुड डेफिनेटली एड दिस टू योर वॉटर सो अगला आउटफिट है ये दिस इज फेक टर्टल नेक फॉर वुमेन अब आप लोग सोच रहे हो भैया फेक टर्टल नेक क्या होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या होता है दिस इज कॉल्ड एज फेक टर्टल नेक, फेक टर्टल नेक इसलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना सिर्फ नेक होता है ये नेक यहाँ पर आ जाता है और ये हमारे शोल्डर पे आता है इट हैज गॉट नो स्लीव्स सो so भाई इसका यूसेज क्या है ये अजीसी चीज़ जो है मैंने क्यों ऑर्डर करी है तो मैं आपको सबसे पहले इसका यूसेज बता देती हूँ देखो बींग अ गर्ल वी ऑलवेज लाइक टू फ्लॉन्ट आर कर्व्स है ना बट जब विंटर्स आ जाती है ना तो इतनी सारी हमें लेयरिंग करनी पड़ती है एंड यू नो बहुत हैवी सा बहुत मोटा मोटा सा हमेशा लगता है एंड यू नो देर आर सर्टन ड्रेसेज जैसे हमारी कभी वन पीस लॉन्ग ड्रेस होती है या फिर हमारे इतने स्वेटर्स होते हैं जो वॉर्म तो होते हैं यू डोंट नीड टू एड एनी लेयर बट उनका ना नेक थोड़ा सा डीप होता है so सो इस पर आपको नेक कवर पड़ता है तो उस उन सारे केसेस में ये टाइप का जो फेक टर्टल है ना दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी क्योंकि जैसे आप देख सकते हो इसको ना मैंने अपनी स्वेटशर्ट के साथ पेयर करा है देखो मेरी स्वेटशर्ट ऑलरेडी बहुत वॉर्म है मुझे इसके नीचे कोई जो एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने की नीड नहीं लग रही थी मुझे सिर्फ नेक को कवर करना था तो मैंने ये पहन लिया एंड आई एम सो सो हैप्पी विद दिस परचेज सीरियसली मतलब ये बहुत ही कमाल की चीज़ लगी है मुझे ना कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है एंड इट कॉस्टेड मी फाइव फिफ्टी वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल सकते हो बट मतलब मुझे मुझे जब मैंने इसको देखा और मैंने इसको पहना ना तब मुझे नहीं लगा क्योंकि जो इसका फैब्रिक है ना दिस इज अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है वैसे ना इसमें चीपर ऑप्शन भी अवेलेबल थे टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड के रेंज में भी थे बट जब मैंने उनके रिव्यूज पढ़े तो इट वॉज लाइक वो बहुत गले में चुभने वाला सा फैब्रिक है तो मुझे ना वैसा नहीं चाहिए था क्योंकि यार ये नेक को पूरा कवर करेगा तो ऐसे ऐसे सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होता है ना आपको हमेशा हाई नेक में सो दिस फैब्रिक ये बहुत सही आया है और मुझे तो मतलब ये इतना अच्छा लगा है ना मतलब दिस इज अ बेस्ट परचेज और ये मेरी सारी ड्रेसेस जब भी कुछ मुझे ऐसे डीप नेक वाला पहनना होगा ना री वेरी हैंडी एंड सीरियसलीफर प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नीड ऑफ गर्ल्स सो वेल और वो इतने कमाल के आउटफिट बनाते हैं ना तो हमें भी जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए ना सो so, आई थिंक ये जो फेक टर्टल नेक है ना दिस इज अ मस्ट मस्ट है आप चलते हैं अगले आउटफिट पर और वो है ये दिस इज केबल नेट वुलकर अब देखो विंटर्स आ गई हैं तो इसको मतलब ये तो नहीं है ना कि हम समर्स जैसे कपड़े पहनना छोड़ते तो इसीलिए मैंने ना इस टाइप की स्कर्ट ऑर्डर करी है तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी स्कर्ट है जो आई है और जो मुझे रिसीव हुई है सो दिस इज अ स्कर्ट अब ये ना एक्चुअली ये जो केबल नेट वाला पैटर्न होता है ना मतलब निट पैटर्न बोल सकते हैं बेसिकली ये ना बहुत वार्म होता है यू कैन से इट्स अ वुलन स्कर्ट ओनली तो ये वुलन स्कर्ट विंटर्स में बहुत सही रहती हैं और ये मेरा जो कलर है ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो रेडिश मरून टाइप का कलर है वैसे इस स्कर्ट में जो है ना इसमें और भी दो कलर ऑप्शन अवेलेबल थे हैं एक ब्लैक कलर का ऑप्शन और एक टील टील भी बहुत सुंदर लग रहा था कलर ना बट मुझे थोड़ा ये वाला टाइप का कलर ज़्यादा अच्छा लगता है बगंडी और ये यू नो मरूनिश रेडिश टाइप के जो होते हैं ना तो इसलिए मैंने ये वाली ऑर्डर करी है सो दिस इज अ स्कर्ट ये स्कर्ट ना मुझे नी, नीज से थोड़ी सी नीचे तक आई है वैसे इसमें मेंशन था कि ये नीज तक आती है बट मुझे थोड़ी सी नीज से नीचे आया बिकॉज आई हैव अ शॉर्ट हाइट आई थिंक इसलिए बट स्टिल मतलब फिर भी मुझे ये स्कर्ट बहुत अच्छी लगी मतलब जैसे जब मैं इसको हाथ भी लगा रही हूँ ना इट लुक्स वेरी वेरी हैवी दैट शोज कि ये मतलब कितनी ज़्यादा गर्म होगी और इसका पैटर्न पूरा बना हुआ है यहाँ डिज़ाइन है और इसका यहाँ ना ऐसे पूरा एक वेस्ट काइंड ऑफ बेल्ट है ऐसे इलास्टिकेटेड सी वेस्ट बेल्ट है सो so, uh, मतलब uh, ये थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है तो फिटिंग बहुत प्रॉपर आती है इसकी ना तो uh, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो मैंने इसको बस अपनी मतलब मैंने तो इसके साथ अपना वाइट टर्टल नेक पहना है ऊपर जैकेट पहनी है और नीचे मैंने अपनी स्टॉकिंग्स और लॉन्ग बूट्स पहन ली है तो ये ओवरऑल जो लुक इस स्कर्ट की वजह से आ रहा है ना वो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कलर बहुत ज्यादा प्यारा है और इसमें जो साइज uh, ऑप्शन है ना दैट इज अवेलेबल लॉर्ड ऑफ साइज ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे आई थिंक फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी फोर मैंने ट्वेंटी सिक्स ऑर्डर करा है और ये ट्वेंटी को भी आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है एंड क्वालिटी वाइज अगर मैं इसकी बात करूँ क्वालिटी इज रियली रियली नाइस कहीं से कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है लिंट फ्री है ये मुझे गारंटी uh, मतलब मिली थी इस चीज़ की कि इस पर जो है ना लिंट बिल्कुल भी नहीं आएगी तो ऐसे कपड़े तो वैसे ही विंटर्स में यार बड़े अच्छे लगते हैं लिंट ना आए जैसे रफ एंड टफ उनको यूज करो एंड द प्राइस ऑफ दिस स्कर्ट इज नाइन हंड्रेड रुपीज सो दैट्स वाई आई थिंक कि मतलब थोड़ा सा हायर साइड पर इसका प्राइस अब ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट नॉर्मली जैसे ठीक है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड में भी कभी कभी जो है ना नी लेंथ वाली बुलन स्कर्ट्स मिल जाती हैं बट इसका नाइन हंड्रेड है आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ओनली क्योंकि जब मेरे को ये रिसीव हुई और मैंने इसका ओवरऑल फैब्रिक और क्वालिटी वगैरह चेक करी ना इवन आईव वॉश डिट तो ये मेरे को बहुत सही लगी है सो so, येस yes, अगर आप भी यू नो विंटर्स में देखो डिफरेंट से या स्टाइलिश से आउटफिट्स पहनना पसंद करते हो तो स्कर्ट तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी अपने वॉड्रोम में एंड वाई नॉट एड दिस वन ओनली अब आ जाते हैं अगले आउटफिट पर और वो है ये दिस इज़ हाई नेक बॉडीकॉन ड्रेस सो ये बॉडीकॉन ड्रेस जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी सी है हाईनेक वाली ये मेरी ड्रेस है जो मैंने ऑर्डर करी है ये रहा ये इसका एप्रिकॉट कलर मैंने ऑर्डर करा है बड़ा ही डिफरेंट सा और यू नो न्यूडिश टाइप का कलर जो है ना मैंने पहली बार ही ऑर्डर है क्योंकि वैसे मेरे को ब्राइट कलर्स पसंद है बट आई थॉट फॉर अ चेंज कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए ना <laughs> तो मैंने इसका ये एप्रिकॉट कलर ऑर्डर है अब देखो ये नेक ड्रेस है पूरी जो है ये पूरा नेक से कवर हो जाता है फुल स्लीव हैं और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है इसकी ये जो स्लीव है ना ये ना हैंड्स को भी कवर करती है ऐसे ये पूरा मतलब यहाँ से ये थम निकालने का दे रखा है यहाँ से अब अपना थम निकालो और ये यहाँ तक आता है मतलब पूरा ग्लव टाइप का बन जाता है इसका ना तो ये बड़ी सही चीज लगी मेरे को इसकी और रिब्ड अगेन रिब्ड पैटर्न में है तो रिब्ड पैटर्न वाली थोड़ी सी गर्म होती ही है जो भी ड्रेसेस होती है ना ये वैसे ही हाई नेक है तो ऑब्वियसली समझ में तो इसको नहीं पहन सकते हैं इस बॉडी कॉन ड्रेस को लाइट विंटर्स

मैंने पहली बार ऑर्डर करा और लेकिन मुझे अच्छा लगा ये जैसे आप वीडियो में देखो मैंने इसको कैसे स्टाइल करा है मैंने ना इसके ऊपर अपना ओवरकोट डाला है नीचे तो नॉर्मल स्टॉकिंग्स पहन रखी है ब्लैक और लॉन्ग शूज पहने ओवरकोट डाला है और मैंने ना इसके साथ स्टोल कैरी करा है तो ये जो मतलब बॉडीकॉन ड्रेसेस के साथ उसी की लेंथ का जो ओवरकोट वाला जो स्टाइल होता है ना ये मतलब मुझे बहुत टाइम से क्रिएट करना होता है और ये बहुत सुंदर भी लगता है क्योंकि ओवरकोट थोड़ा लूजर आ जाता है नीचे आपने एकदम टाइट फिटेड सी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी होती है तो मतलब वो एक बहुत ही कमाल का स्टाइलिश सा लुक देता है जैसे आप देख भी रहे हो मुझे ये सीरियसली बहुत पसंद आया था सो so, वैसे इस ड्रेस में जो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है ना वो सही में बहुत सही सही कलर ऑप्शंस हैं इनके पास मतलब मैंने देखा बहुत डिफरेंट वाले जैसे कि एक फूशिया कलर है एक पिंक कलर है एक लैवेंडर कलर है मतलब मैंने नॉर्मली इतने ज़्यादा कलर ऑप्शंस और इतने डिफरेंट वाले कलर ऑप्शन ना ड्रेसेज में देखे नहीं है सो so, इसी लिए मुझे मतलब ये था कि मुझे बॉडी कॉन् ड्रेस ऑर्डर करनी ही करनी है तो मैंने ये वाली मंगा ली एंड आई रियली लाइक दिस तो अगर मतलब ज़ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो देखो आप सिर्फ अपनी बॉडी ड्रेस बेल्ट के साथ कैरी कर सकते हो जैसे मैंने भी इसमें बेल्ट डाली है तो आप बेल्ट और बॉडी कॉन ड्रेस पहन लो और नीचे जो है अपनी यू नो you know, स्टॉकिंग्स पहन के इसको कैरी लो लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है तो ऊपर ओवर कोट स्टो, स्टोल वोल डाल के अच्छे से इसको स्टाइलाइज कर सकते हो जैसे मैंने करा है और जैसे जो मैं इसको बता रही हूँ ना कि ये मेरी वाली जो ड्रेस मेरे को रिसीव हुई है इसमें ये मेरा ग्लव टाइप का भी बन जाता है मतलब मेरे आधे पाम को जो है ना ये कंप्लीटली कवर करता है लेकिन अभी मैं देख थी, जैसे मैंने ये मिंत्रा से मंगाई है ड्रेस बेरी की ये आ, जो है ड्रेस है अभी मेरे ख्याल से उन्होंने ये वाला पैटर्न हटा दिया है वो हाथ को पूरा कवर नहीं करता मे भी आ जाए दोबारा कुछ कुछ चेंजेस तो होते रहते हैं बट ठीक है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सो so... आई थिंक ये टाइप की जो बॉडीकॉन ड्रेसेस है ना वो आप जरूर अपने बॉड्रॉप में रखो क्योंकि इससे भी मतलब आप एक बहुत ही यू नो डिफरेंट सी वाइब हमेशा ले सकते हो जो एक रेगुलर विंटर वियर से नहीं आती है अब लास्ट आउटफिट जो आज की स्टाइलिश हॉल वीडियो का है वो है दीज हैरम पैंट्स अब देखो जो हैरम पैंट्स होती है ना उसमें बहुत सारी वराइटीज अवेलेबल होती है मैं सबसे पहले आपको अपनी हेरम पैंट दिखाती हूँ जो विच आई हैव एंड दिस इज the haram band which i have see ये हेरम स्टाइल में है पूरा ऐसे यहाँ से लूजर होती है ना जैसे हरम का स्टाइल होता है और नीचे से ये पूरा एंकल पे जो है इसका ये इलास्टिकेटेड सा होता है सो दिस इज़ अ पैंट एंड बेसिकली मैं मतलब इसको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ प्लेन वैसे हैरम पैंट्स जो है प्रिंटेड अवेलेबल हैं वर्क वाली आती हैं एम्ब्रॉइड आती हैं बट ना ये जो टाइप ताए, प्लेन टाइप की जो हैरम पैंट्स होती है ना ये सही में बहुत ही स्टाइलिश लगती हैं बहुत कूल लगती हैं मतलब ये तो इतना मल्टीपर्पजली आप इसको यूज़ कर सकते हो ना समर्स में यूज़ कर सकते हो आप अपनी किसी भी क्रॉप टॉप के साथ इस लूजर हैरम पैंट को स्टाइल करो और क्या ही कमाल का लुक आता है सीरियसली और विंटर्स में भी ना मतलब ये बहुत सही लगती है क्योंकि इसके नीचे हम अपनी लेयरिंग इतनी आसानी से कर सकते हैं और पता भी नहीं लगता है कि हमने लेयरिंग करी हुई मतलब ये तो बेस्ट ही पार्ट हो जाता है बिल्कुल कि आप अपना वॉर्म अप पहन लो क्योंकि दिस कम्स सो लूजर ना इट्स हैरम तो ये ऑब्वियसली ये पूरा ये सेक्शन जो है इसका काफ़ी लूजर काइंड ऑफ रहता है तो उसकी वजह से लेयरिंग एक तो आसान है और ऊपर से आप इसको क्रॉप जैकेट के साथ स्टाइल करो आप अपने यू नो कार्डिगन जैसे मैंने भी आपको क्रॉप कार्डिगन दिखाया था क्रॉप कार्डिगन कोई भी फिटेड वाला उसके साथ की इतनी सही लगेगी या फिर मैंने तो इसको बेसिक जैसे आप वीडियो में देख सकते हो बस अपने ब्लैक हाईनेक के साथ अंदर टक इन करके इसको स्टाइल करा है और विंटर्स में जो है ना इन हैरम पैंट्स के नीचे आप अपने हील वाले जो बूट्स होते हैं ना हील वाले बूट्स पहनो मतलब उससे तो इतना स्टाइलिश लुक लगता है ना मतलब काइंड ऑफ ना जैसे बोहो काइंड ऑफ फील नहीं होती वैसे वाला स्टाइल पूरा का पूरा क्रिएट हो जाता है तो इसीलिए मतलब अगर आप ऐसे प्लेन वाले हैरम पैंट्स लेते हो तो आप उनको मल्टीपर्पजली स्टाइल कर सकते हो सो दैट इज वाई आई इंसिस्टेड कि एक हैरम पैंट आप अपने वार्डरोम में हमेशा ऐसा रखो जो मतलब प्लेन सा बेसिक कलर हो जैसे मेरे वाले का तो ना ये थोड़ा ग्रेश सा कलर है डार्क कलर ही है इसका तो इसको मैं बहुत सारे यू नो टॉप और जैकेट्स और अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रिंटेड जो भी मेरी चीजें उनके साथ स्टाइल कर सकती हूँ सो येस दिस वॉज द लास्ट आउटफिट इन टू डेज हॉल वीडियो विच आई वॉन्टेड टू शो एंड वॉन्टेड टू टेल यू कि ये भी एक uh, मतलब बहुत एक स्टाइलाइज काइंड ऑफ जो आउटफिट है ना वो क्रिएट करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा सो डू कीप इट इन योर वॉट ओके गर्ल्स तो ये थे सारे के सारे आउटफिट्स आज की हॉल वीडियो के बाकी जितने भी आउटफिट के लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच ज़रूर कर दूंगी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैम आउट आपको परचेज़ कर हैं आप परचेज कर सकते हो उस लिंक से नहीं भी कर हैं तो ऐसा फोर्स नहीं है यू कैन जस्ट चेक दैम आओ या फिर स्टाइल चेक कर सकते हो भाई सिर्फ आपकी मर्जी है मैं अटैच जरूर कर दूंगी बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गर्ल्स नेवर फॉरगेट टू बी हैप्पी हमेशा खुश रहो मस्त रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओके बाय बाय